अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि फेपी लिपी का डाटा आ चुका है 21 सितंबर का, और अगर डाटा के मुताबिक देखा जाए तो जो नेट सेलर्स हैं वो फेपी साइड पर हैं, लेकिन लाइक ए फॉरेन इन्वेस्टर ने आज माल सेल किया है। और जैसे कि हमने इंटरनेशनल मार्केट का भी ट्रेंड देखा, उसमें भी सेलिंग ही नज़र आई, तो गोरो की तरफ से सेलिंग रही है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन 2.19 मिलियन शेयर्स की वर्थ का माल जो है आज बेचा है, और जो मैसिव सेलिंग जो की है वो बैंक्स के अंदर की है। जैसे कि कल एक चीज़ हुई थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जनरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, तो उस वजह से हमें यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने सेलिंग की है बैंकिंग सेक्टर में। अब आते हैं लोकल साइड पे कि लोकल में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जिन्होंने बाय किया और सेल किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, बैंक एंड DFIs ने जो है वो अपनी पोजीशंस बिल्डअप की हैं। सीमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोजीशंस बिल्डअप की हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रोकर्स ने भी ख़रीदा है, अदर्स के अंदर भी बाइंग हुई है। जो मैसिव सेलिंग है वो एक तो म्यूचुअल फंड ने की है, और अगर ये पास्ट में भी देखा गया है कि जब भी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आता है तो उसके अंदर जो मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, और उनकी तरफ से काफ़ी सेलिंग होती है। वही चीज़ आज भी देखने को मिली कि मार्केट में जो एक पैनिक आया, तो पैनिक के बाद जो है यहाँ पर सेलिंग होना स्टार्ट हो गई। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने माल बेचा और कंपनीज़ ने माल बेचा। म्यूचुअल फंड की अगर बाइंग देखी जाए तो म्यूचुअल फंड वालों के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत लुक्रेटिव है, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शफल किया है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। आज के दिन में जो बाइंग की है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर की है। अगर ब्रोकर्स की बात की जाए तो ब्रोकर्स बैंकिंग सेक्टर पे नेगेटिव हैं, जबकि सीमेंट सेक्टर के अंदर वो स्लाइटली पॉजिटिव हैं। और कंपनीज़ की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव हैं। अगर हम स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज देखें तो जो बैंक्स हैं उनके अंदर ब्रोकर्स कंपनीज़ और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो नेगेटिव रही हैं। उनका रुझान ये है कि बैंकिंग सेक्टर जो परफॉर्म नहीं करेगा, जबकि रेस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बाइंग की है। सीमेंट सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो अब सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर देखें तो बैंक एंड DFIs एंट्री ले रहे हैं, ब्रोकर्स ने भी एंट्री ली है, कंपनीज ने भी ली है, और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी। बाकी जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं हमारे जैसे इंडिविजुअल हो गया, उन्होंने थोड़ा माल बेचा है, और म्यूचुअल फंड ने जो है वो अपना माल यहाँ पर निकाला है। अदर्स के अंदर जो है वो नेट नेट बेसिस पे बाइंग रही है, और अगर मेजर सेलिंग की बात की जाए लोकल फ्रंट पे तो OMC सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग रही है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से और ब्रोकर की तरफ से हुई है OMC सेक्टर के अंदर। तो ये था पूरा का पूरा फिपी लिपी का स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं कि किसने कितना माल ख़रीदा है, किसने कितना माल बेचा है। तो आज का जो एक मेन क्रस्क है अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें तो वो सिर्फ यही है कि म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आया मार्केट के ऊपर, जिस वजह से मार्केट ने जो है अपने सारे जो सपोर्ट लेवल से इंटरडे पे और डेली टाइम फ्रेम पे उसको तोड़ते हुए नीचे वीकली सपोर्ट तक जो है मार्केट जा पहुँची है। तो होपफुली कि मार्केट के अंदर जो है वो एक रीबाउंड आ सकता है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ साइड पे हम बैंक्स को देखें तो बैंक्स जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और बैंक्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर अभी भी, और वो अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट के ऊपर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना सही लगता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।